सो आज की क्लास में हमारा सारा फोकस होगा क्वेश्चन डिस्कशन पे। आइए लेट्स सी हाउ कैन वी डील विद दिस क्वेश्चन। जो भी आपके डाउट्स आएंगे आप बताएंगे एंड आई विल बी टेकिंग अप ऑल द डाउट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी जब कोई भी आपके पास मेजरमेंट होती है, राइट, कोई भी मेजरमेंट होती है किसी भी चीज़ में, सबसे पहला काम आपने क्या करना है दैट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वन यूनिट, राइट। कभी तुमने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि कोई ट्रेन जा रही है, राइट, कोई ट्रेन जा रही है, उसकी स्पीड उसकी लेंथ 200 मीटर्स है, उसकी स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है और वो किसी इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में 18 सेकंड्स लगा रही है। तो बताओ वो दूसरी ट्रेन जो 300 मीटर्स की उसको कितने देर में क्रॉस कर लेगी इफ़ दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। ठीक है, तो वहाँ सबसे पहले क्या करते थे भाई, डिस्टेंस मीटर्स में दे रखा है, टाइम सेकंड्स में दे रखा है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, क्या करते थे उस सबको पहले किसी एक सेम यूनिट में लेके आते थे, राइट। सबके सबको हम लोग किस में लेके आते थे, या तो मीटर पर सेकंड में या फिर जो डिस्टेंस है उसको किलोमीटर में और टाइम को आवर्स में। तो ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चंस में द बेसिक्स नेवर चेंज चिल्ड्रन, द बेसिक्स रिमेन द सेम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन था। यहाँ पे एक्स ग्रेड्स है और यहाँ पे हमारे पास एक्स डिग्री है, राइट। वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आई वुड सजेस्ट जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उसमें आप कर सकते हैं। मैं जैसे डिग्रीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्यों? क्योंकि एक तो ये 90 डिग्री साफ साफ ही मुझे ध्यान रहता है और ग्रेड्स और डिग्री के बीच का रिलेशन हमने कल पढ़ा था, क्या था? इट वाज 90 डिग्री वाज इक्वल टू 100 ग्रेड्स। एंड हालांकि इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है बट फिर भी आपकी मेमोरी के लिए याद दिलाता हूँ दैट वाज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियंस। यहाँ पे फिलहाल हमें सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं हर चीज़ को किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, डिग्री में। ओके, क्यों डिग्री में क्यों कन्वर्ट करना चाहता हूँ? बिकॉज द बेसिक फैक्ट दैट द सम ऑफ द ट्राइंगल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं उस फैक्ट को यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इस एक्स ग्रेड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, दिस इज ऑलरेडी इन डिग्री। ओके, आइए देखते हैं। तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि 1 ग्रेड इज इक्वल टू 90/100, दैट इज अपॉन व्हाट, 90/100। If you want, you can cancel it and you can say it is 9/10। तो x grade कितना हो जाएगा? Into x कर देंगे ना दोनों तरफ, बताओ करेंगे नहीं करेंगे? ठीक है, तो I can say x grade is equal to 9x/10 degrees and now the question is finished, खत्म हो गया क्वेश्चन। What is the answer? The answer is 9x/10 plus x, because अब ये सब के सब क्या है, डिग्री में। So this plus this, is it equal to 90 degree or not? Certainly yes। क्या x की वैल्यू नहीं आ गई? इट्स सो डैम सिंपल। बताओ कितना आ गया? ये तुम्हारे पास आ गया 19x/10, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें तो सिर्फ x की न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज इक्वल टू 900/90, दैट इज ऑल, फिनिश्ड। बिल्कुल ऐसे छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बच्चों। तो दिस इज द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन दैट यू हैव गिवन मी। यहाँ पे एंगल हमारे पास रेडियंस में गिवन है और इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान है बेटा, वही बेसिक फार्मूला यूज़ करना है। क्या? पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एज दे हैव यू नो कंपल्सरली रिटर्न कि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, तो जो भी चीज़ सजेस्टेड होती है ना, ध्यान रखना बोर्ड के क्वेश्चन में, स्कूल के क्वेश्चन में, इट इज़ द मेथडोलॉजी विच मैटर्स मोर। कंपटीशन के क्वेश्चन में इट इज़ दी आंसर दैट मैटर्स मोर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा मेथड, तुम्हारा प्रोसेस, जो वो मांग रहे हैं तुम्हें वही देना है, ठीक है। तो ये पाई रेडियंस इज इक्वल टू कितना आ गया? दिस मच। मुझे तो 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 22/7 रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। यहाँ से बिल्कुल सही, यहाँ से मैं सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, यूनिटरी मेथड यूज़ करूँगा। कितना हो जाएगा? 180 into 7 divided by 22। If you want, you can cancel the things। जैसे यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे तुम्हारे पास 90 आ जाएगा। This is coming out to be what, 630/11, ठीक है। So if you want, you can leave it like this, or if you want, you can go ahead। आप इससे थोड़ा और आगे भी बढ़ सकते हो, है ना, क्योंकि जनरली अगर स्कूल, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन में तो इतना आसान क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन स्कूल एग्जाम में अगर आता है तो वहाँ पे यू आर सजेस्टेड, यू आर एक्सपेक्टेड दैट द आंसर शुड बी इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है। तो चलो उस पर कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सी, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन मैं इंटायरली आपके लिए परफॉर्म कर रहा हूँ। सो इट इज़ 630, 5 टाइम्स जाएगा 55, है ना, ये हमने कल कैलकुलेट किया था, राइट। तो ये मेरे पास कितना आ गया? दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 8, दिस इज़ गॉन 80, 57। और हमारे पास यहाँ पे 77 आ गया और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 3। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा 57। ध्यान से देखना 57 एंड 3/11 अभी ये डिग्रीज में है, बट मैंने तुमसे क्या कहा, तुम्हें मिनट्स और सेकेंड्स में एग्जैक्टली वहाँ तक मूव करना है। तो ये जो 3/11 है, जब मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करूँगा तो क्या करूँगा, 60 से मल्टीप्लाई करूँगा। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू डिवाइड 180/11। क्या हम इसको ओरली कर पाएंगे? आई थिंक कर सकते हैं, आओ करके देखते हैं। तो 1 से गया 70 यानी कि 6 से गया, LCM रिमाइंडर कितना आ गया 4/11। सो आई अंडरस्टैंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 57 डिग्री 16 मिनट्स। और सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 4/11 को फर्दर 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी 240/11। आई वुड सजेस्ट दो प्लेसेस तक तुम मिनट और सेकंड के फॉर्म में जाओगे, दैट इज वेरी एक्यूरेट। ठीक है, तो कितना आ गया बताओ, इसको तुमने 11 से डिवाइड किया, ये 2 आ गया तुम्हारे पास और फिर से 2 हुआ, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 21। सो यू कैन से दैट दिस इज 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 2 सेकेंड्स। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाई गीत, आई होप इट इज फाइन। All right. So the next question in the list is question number 8. The angle of a regular polygon, right? Polygon, you understand? Closed diagram. The smallest polygon is a triangle. Then you have quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, septagon, octagon, nonagon, decagon, undec, dodec. बहुत कुछ होता है ना? तो polygon मतलब कि 3 या more sided closed diagram. ठीक है? That is the angle of one of the regular polygon is to that of the another is 3:2. बहुत बढ़िया. And the number of sides in the first is twice that of the second. बहुत बढ़िया. Find the number of sides of the two polygons. बहुत बढ़िया. Fantastic question. अब देखो यहाँ पे आपसे ये expect किया जाता है कि आप polygons के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हो, right? देखो कुछ जो बेसिक बातें हैं शायद आपके माइंड से स्लिप कर रही होंगी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उनका नोट्स प्रॉपरली बना लेंगे। ठीक है, देखो ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एंगल का जो मेजरमेंट है वो 3:2 है। नाउ पे अटेंशन ऑन द वर्ड रेगुलर पॉलीगन, प्लीज पे अटेंशन ऑन द वर्ड रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर अगर मैं बोलता हूँ रेगुलर ट्राइंगल, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, रेगुलर वर्ड का मतलब होता है अ पॉलीगन दैट हैज गॉट ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स इक्वल। अगर मैं बोलता हूँ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, सो रेगुलर वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन है, कितने साइड्स हैं नहीं मालूम, कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल इतना पता है, शायद आपकी नॉलेज के लिए बता दूं अगर आपको नहीं पता है तो, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी एन साइडेड पॉलीगन इज ऑलवेज गिवन बाय n-2 × 180 डिग्री। अगर तुम n की जगह पे 3 रखोगे तुम्हें ट्राइंगल का मिल जाएगा, कितना होता है 180। 4 रखोगे तो क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा, कितना होता है 360 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द सम ऑफ द एंगल्स। एज इट इज अ रेगुलर पॉलीगन, सो वन एंगल वुड मेजर हाउ मच, डिवाइडेड बाय n। ठीक है, दिस वुड बी द मेजरमेंट ऑफ वन एंगल। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात इसमें और क्या कह रखी है इन्होंने, इन्होंने ऐसा कहा है कि द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द फर्स्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ साइड ऑफ द सेकेंड। ओके, यानी कि जो मेरे पास फर्स्ट है, अगर ये मैं 2x लेता हूँ तो ये कितना है x। ये तो कह रहे हैं ना, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द फर्स्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द सेकेंड। ठीक है, यहाँ से अब मैं n1 यानी कि फर्स्ट केस में, राइट, ये मेरे पास सम क्या, देखो यहाँ पे मैं मिक्सअप नहीं करना चाहूँगा, राइट, द सम इज इक्वल टू दिस, राइट, दिस इज द सम। ओके, नो मिक्सअप, नो मिक्सिंग अप। So one angle is equal to what, right? One angle measurement, one of the measurement, right? That will be equal to what? 180 डिग्री × n/2 divided by n. ठीक है? तो अब यहाँ पे एक बारी मुझे साइड लेना है 2x और दूसरी बारी साइड क्या लेना है x. ठीक है? तो बताओ जो फर्स्ट एंगल है, जो मेरे पास फर्स्ट ट्राइंगल का, जो फर्स्ट पॉलीगन का जो एंगल होगा, उसकी मेजरमेंट कितनी होगी? अगर मैं यहाँ पे वन एंगल का मेजरमेंट देखूँ कितना आ जाएगा बताओ? That will be 180 × 2x रखूंगा n की जगह पे, राइट, 2x - 2 अपॉन 2x। ठीक है, दिस इज फर्स्ट एंगल। लेट्स कॉल इट, क्या बोलें इसको, एंगल 1 बोल दूं, a1 बोल देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली जब मैं एंगल 2 की बात करूँगा तो ये कितना होगा बताओ? 180 × x - 2 इन द सेम, बट ये बस ये फॉर्मूले में तुम रख देना है। ठीक है, अपॉन x। नाउ एज पर द क्वेश्चन इन्होंने क्या बताया आपको कि ये जो एंगल का मेजरमेंट है इसका रेशियो तुम्हें दे रखा है. दैट मीन्स दे हैव टॉक्ड अबाउट A1 अपॉन A2. ये वैल्यू तुम्हें दे रखी है. एंड व्हाट इज द गुड साइड, बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी जैसे तुम ये वैल्यू रखोगे. देखो कितना आ रहा है, ये ऊपर न्यूमरेटर कितना आ गया 180, 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x. दैट इज योर न्यूमरेटर. और डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 180 x minus 2 upon x. See, lot of things are getting cancelled and that is the good side. x भी cancel हो रहा है. अगर तुम यहाँ ऊपर न्यूमरेटर से 2 cancel कर दो, ध्यान से देखो 2 cancel करोगे तो वो तुम्हारा नीचे वाला 2 भी cancel हो जाएगा. और ये a1 upon a2 क्या कुछ दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है. कितना दे रखा है 3/2. This is 3/2. So if I take 2 common from the numerator, तो यहाँ पे x minus 1 रह जाएगा, ये वाला 2 cancel हो जाएगा और नीचे मेरे पास कितना रह रहा है x minus 2. Can I get the value of x? Certainly yes. 3 times of this, 3x minus 6. 2 times क्या इधर कितना आ गया बच्चों 2x minus 2. Take all x on one side. तुम्हारे पास x इधर आया और ये इधर कितना चला गया 4. Right? x की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है. x की वैल्यू जब हमारे पास 4 आ रही है तो ये पूछ क्या रहे थे? They were asking the number of sides of the two polygons. Are you done with the question? Certainly yes. They are octagon. You call it octagon. N-sided polygon is called what? Octagon. ठीक है, you call it octagon. And this is certainly your quadrilateral. ठीक है, क्योंकि ये regular है तो ये square है. You understand it now. ठीक है, so that was the second doubt that you gave me. Right. यहाँ पे बोला गया find the magnitude in radians and degrees of the interior angle of regular. Regular का मतलब अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है. पेंटागन का मतलब होता है 5 साइडेड. ऑक्टागन का मतलब होता है 8 साइडेड. हेप्टागन का मतलब होता है हेप्टागन राइट. हेप्टागन इज 7 साइडेड, बिल्कुल सही. हेक्सागन इज 7 साइडेड, 6 साइडेड. ओके. ड्यूडेक का मतलब होता है 10. ठीक है. अनडेक का मतलब होता है 11 और ड्यूडेक का मतलब होता है 12 साइडेड. ठीक है. तो अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही सिंपल हो चुका है. बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा. सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू हाउ मच? मैं यहाँ पे बोलूँगा n-2 इंटू 180 डिग्री. और एक एंगल की वैल्यू पूछी गई है तो मैं किससे डिवाइड करूँगा? मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूँगा. ठीक है. नाउ इन्होंने बोला है कि डिग्रीज में भी बताओ, रेडियन में भी बताओ. कोई टेंशन नहीं है, डिग्री में तो आ गया. कितने से चला जाएगा भाई? 15 से चला जाएगा. तो 15 × 10 इट इज़ कमिंग आउट टू बी 150 डिग्री. अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तो बहुत ही आसान होता है ना. रेडियन में क्या बोलेंगे? राइट, ये डिग्री में है, रेडियन में कैसे बोलोगे? रेडियन टू डिग्री. मैंने क्या बताया था आपको? कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बताया था क्या? हाँ, मैंने बोला था कि जिसको भी कन्वर्ट करना है उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना. डिड आई गिव यू दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड? जस्ट चेक आउट यस्टरडेज नोट्स, यू विल फाइंड इट देयर. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो आपने स्ट्रेट अवे ये डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे पाई अपॉन 180 से एंड यू विल गेट द आंसर. 3 से हो जाएगा तो ये ऊपर 5 रह गया और नीचे 6 रह गया. सो द आंसर इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस इज 5 पाई बाई 6. इन द फॉर्म ऑफ डिग्री इट इज 150 डिग्रीज. सो दैट वाज अनदर इजी क्वेश्चन. आई होप यू फाइंड इट ओके. सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास? लेट्स सी. अ रेलवे ट्रेन इज ट्रैवलिंग ऑन अ सर्कुलर कर्व ऑफ 1500 मीटर्स रेडियस. एक रेलवे ट्रेन जो है एक सर्कुलर कर्व पे ट्रैवल कर रही है. ठीक है. और इसका रेडियस कितना बता रहे हैं? इसका रेडियस बता रहे हैं 1500 मीटर्स. ठीक है. द रेडियस इज 1500 मीटर्स. ओके, वेरी गुड. एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर. इसकी स्पीड कितनी है ट्रेन की? ट्रेन की स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर. अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जब कभी भी यूनिट्स डिफरेंट होते हैं उसको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहिए. यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में दे रखा है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और थोड़ा आगे बढ़ो तो टाइम दिख जाता है सेकंड्स में. टाइम कैसे दिख जाता है? सेकंड्स में. तो इस तरीके के क्वेश्चंस को जब डिफरेंट यूनिट्स में दे रखा होता है तो हम इसको कैसे डील करेंगे? सबसे पहला काम है हमारा उसको सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में लेके आना. तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए कैसे यूज़ करते थे बेटा? एनीवन हु रिमेंबर्स दैट? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हैं 5/18 से करेंगे क्या? 5/18 है. इसको समझने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे कुछ ऐसे होता है. मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है. ओके. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स. तो आप जब इसको कैंसिल करोगे तो कितना आता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड. ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 66 किलोमीटर पर आवर है इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5/18 से। 3 से कैंसिल होता हुआ दिखता है मुझे ऊपर नीचे, बल्कि 6 से ही कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज़ 6 3s एंड दिस इज 11s। सो इट्स कमिंग आउट टू बी 55/3 मीटर पर सेकेंड। दैट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, बोल रहे हैं कि ये 10 सेकेंड में कितना एंगल रोटेट करेगी, 10 सेकेंड में हाउ मच एंगल विल इट रोटेट। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। इट वाज अ शेयर क्वेश्चन ऑफ व्हाट कैलकुलेशन, नथिंग एल्स, राइट। आपके यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हो बच्चों? θ = L/R। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर। आई होप यू रिमेंबर दैट। तो अभी एल कैसे निकालें? क्या हमें मालूम है डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम होता है? डू वी नो दैट? आई थिंक यस। कितना है स्पीड? Speed is 55/3, and what is the time? Time is 10 seconds. तो मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। ये मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, this coming out to be 550/3, right? This is the distance that the train has moved in 10 seconds. So this is what? This is the length of the arc in this case. तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? And don't forget, थीटा हमेशा किसमें होता है? ये रेडियंस में होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? L is 550/3 divided by R. What is the value of R? It is 1500. I hope you are getting all this. 5 से इसको कैंसिल करते हैं बेटा, यहाँ तुम्हारे पास 11 आ गया। 5 से इसको कैंसिल करोगे 30 आ गया। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 11/90 रेडियंस। यू कैन लीव इट लाइक दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, रेडियन में ही आता है। यहाँ जो वैल्यू आती है हमारे पास हमेशा रेडियन में ही आती है। ये चीज़ हमने बहुत पहले देखी है और बार बार देखी है। ठीक है, सो आइए इस पे एक क्वेश्चन और मैं करना चाहूँगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। आई एम जस्ट पॉजिंग द वीडियो। इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ ऑफ टू सर्कल्स सबटेंड एंगल्स ऑफ 65° एंड 110° एट द सेंटर। ठीक है, दो डिफरेंट सर्कल्स हैं। ठीक है, और उनकी आर्क की लेंथ कितनी है? सेम है, उनके एंगल्स डिफरेंट है। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, डोंट यू थिंक सो? राइट, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा क्वेश्चन है ये हाँ अभी देखते हैं। दोनों की लेंथ सेम है ना। यहाँ देखो, यहाँ जो आर्क छोटे सर्कल में जो आर्क बड़ा होगा, राइट, अगर उतनी ही लेंथ की है तो सोचने की बात है कि बड़े वाले सर्कल में वो वाला एंगल कैसा होगा, छोटा होगा। क्या ये कॉमन सेंस हमारा कहता है? क्या ये हमारा कॉमन सेंस कहता है ना? ठीक है, तो यहाँ पे छोटे सर्कल का जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। ये बात तो क्वाइट ऑब्वियस है। ये कितना होगा बच्चों? 110°। और जो बड़े वाला सर्कल है उसका हमारे पास जो एंगल होगा वो कितना होगा? 65°। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। यहाँ पे जो तुम्हारे पास रेडियस है, लेट्स कॉल इट स्मॉल आर, और यहाँ पे जो रेडियस है इसको हम लोग कैपिटल आर कहते हैं। ठीक है, अब देखो, हालांकि तुम्हें यहाँ पे रेडियन में तुम्हें पता है कि θ = L/R आता है। ठीक है, यू नो that θ = L/R। ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट इस तरह के क्वेश्चन में आप स्ट्रेट अवे थीटा की वैल्यू डिग्रीज में कंसिडर कर सकते हैं, राइट। यू कैन स्ट्रेट अवे से दैट θ1/θ2 इज इक्वल टू L/R1 एंड L/R2। वाई? बिकॉज L इज सेम, राइट। आप यहाँ डिग्रीज की वैल्यू रखेंगे, है ना। डिग्री कितना है भाई? θ1 जो इन्होंने जिस फॉर्म में रखा है वही रखो। ठीक है, तो 65° को इन्होंने फर्स्ट एंगल बोला है, तुम इसको 65 लो। ये सेकंड एंगल ऐसा बोला है, तुम इसको इतना ही लो। ठीक है, अब 65 वाले का मेरे पास रेडियस मैंने क्या कंसीडर किया? आई हैव टेकन इट एज कैपिटल आर। तो कैपिटल आर R1 नीचे जाएगा, मैं यहाँ पे लूँगा, और यहाँ पे अपॉन में R2, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो मेरे पास जो रेडियस आएगा, राइट, द रेडियस दैट आई विल गेट स्मॉल r/R, इसकी वैल्यू आ जाएगी। 5 से आप कैंसिल कीजिए, कितना आ रहा है? इट्स गॉन बाई 13, राइट। इसको आप 5 से कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा? आई थिंक दैट वुड बी 22 ना, 2 एंड 2, यस इट इज़ 22। ठीक है, 5 से हमने किया तो कितना आ गया? इट्स कमिंग आउट टू बी 22। ओके, तो ये जो R/R है ना, कैपिटल R/r बोल दो या स्मॉल R/R कह दो, दैट इज़ योर चॉइस। 12/13 या 13/12, दोनों में से किसी भी तरीके से आप आंसर को रख सकते हो। अब आपके माइंड में एक चीज़ ऐसी आनी चाहिए कि सर जब ये हमारे पास रेडियन है तो हमने इसको डिग्री में कैसे डील कर लिया? बेटा क्योंकि आप रेशियो ले रहे हो, तो आप अल्टीमेटली अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट भी करते तो आप करते क्या? आप इसको π/180 से मल्टीप्लाई करते, राइट। इसको भी करते और इसको भी करते, तो ऊपर नीचे बेटा जब आप π/180 से मल्टीप्लाई करते दोनों में, राइट। तो अल्टीमेटली ये चीज़ तो कैंसिल ही होनी थी ना, इसीलिए यहाँ पे रेड इन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज इट इज़ अल्टीमेटली द रेशियो दैट वी आर कंसिडरिंग। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू शुड हैव डेल्ट विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस।